नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं तृप्ति सिंह आपका टॉप 10 बुलेटिन में स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज हुई मुंबई में 10 बड़ी हलचलों पर। फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे हुई है जिसकी किसी को जानकारी ही नहीं थी, लेकिन जैसे ही सूत्रों के हवाले से इसकी खबर सामने आई है, वैसे ही हड़कंप मच गया है। क्योंकि अब बागी विधायक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सरकार बनाने के मूड में आ गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर पूरी बात क्या है। शिवसेना के बागी नेताओं के लीडर और विधायक एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच शुक्रवार रात मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि अमित शाह भी उस वक्त वडोदरा में थे। हालांकि अभी कह पाना मुश्किल है कि अमित शाह भी इस मुलाकात में शामिल थे या नहीं। इस जानकारी के सामने आते ही ये चर्चाएं तेज हो गई है कि शिवसेना से बगावत करने के बाद शिंदे क्या जल्द ही भाजपा को अपने समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में भाजपा ने शिंदे गुट के सभी सरकार बनाने की तैयारियां तेज कर दी है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि असम के गुवाहाटी में शिवसेना के 38 बागी विधायकों के साथ डेरा जमाए एकनाथ शिंदे ने गुजरात जाकर वडोदरा में भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। ऐसी जानकारी सामने आई कि मुलाकात के लिए रात 10:30 बजे देवेंद्र फडणवीस मुंबई से निकले थे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि दोनों नेता चार्टर प्लान से वडोदरा पहुंचे थे। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से वडोदरा के लिए निकले, जबकि फडणवीस मुंबई से रात 10:30 बजे निकले। दोनों नेताओं के बीच देर रात 2 बजे मुलाकात हुई थी। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे बातचीत हुई। क्या बात हुई, इसका खुलासा तो नहीं हुआ। यहाँ शिवसेना भी शिंदे गुट पर एक्शन लेने की तैयारी कर चुकी है। शिंदे समेत 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना का अनुरोध स्वीकार किया है और शिंदे गुट को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार तक का समय दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। थाने में तो धारा 144 लागू ही थी, लेकिन अब मुंबई में शिव सैनिकों का बागी विधायकों के खिलाफ आक्रामक रूप देखते हुए धारा 144 10 जुलाई तक लागू कर दी गई है। शिव सैनिकों के आक्रामक रूप को देखते हुए थाने के बाद अब मुंबई शहर में भी 10 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस धारा के तहत मुंबई में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। सभी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर स्पेशल ब्रांच की नजर रहेगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो और पोस्ट डालने पर भी प्रतिबंध है। विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे की नाराजगी शुरू हो गई। इसके बाद शिव सैनिकों ने राज्य में कई जगहों पर तोड़फोड़ की है। इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही पुलिस ने सेवानिवृत्त पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने को कहा। शहर की सुरक्षा के लिए फैसला लिया गया है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने शहर में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों की ड्यूटी 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है। सभी थानों के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मौजूद रहेंगे और रविवार को साप्ताहिक अवकाश नहीं लेंगे। उन्हें आवश्यकता अनुसार साप्ताहिक अवकाश भी दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के दफ्तर पर भी पथराव किया गया है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कार्यालय के सामने पथराव किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज खुद शिवसेना भवन पहुंचे थे। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट को लेकर उद्धव ठाकरे एक्टिव हैं और वो तुरंत निर्णय ले रहे हैं, लेकिन आज एकनाथ शिंदे पर उन्होंने कई हमले किए और हमले करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया है कि तुम्हें वोट मांगना है तो अपने बाप के नाम पर मांगो। आखिर पूरा मामला क्या था, आखिर क्या कहा था उद्धव ठाकरे ने, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। शिवसेना भवन में हो रही बैठक में उद्धव ठाकरे ने 3 बड़े फैसले किए हैं। 3 प्रस्ताव को का जो है उसका निर्णय लिया गया है। ऐसे में पहला प्रस्ताव ये है कि जो भी उद्धव ठाकरे मतलब जो भी शिवसेना का चीफ होगा उसे उनकी बात शिवसैनिकों को माननी पड़ेगी, उनकी बातों को माननी पड़ेगी। वही दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो भी बाला साहेब ठाकरे का नाम सिर्फ शिवसेना की पार्टी ले सकती है और दूसरा कोई नहीं ले सकता है। और वही तीसरी बात उन्होंने कही है कि पार्टी में गद्दारी करने वाले
पर कार्रवाई करने का अधिकार भी सिर्फ पार्टी चीफ को होगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने ये साफ किया है कि अगर हिम्मत होगा तो खुद अपने पिताजी का नाम यूज़ करें, किसी के पिताजी का नाम नहीं यूज़ करना चाहिए। एकनाथ शिंदे को उन्होंने कहा कि पहले वो नाथ थे लेकिन अब वो किसी के दास बन चुके हैं। ऐसे में शिवसेना भवन में जिस तरीके से जो है अब प्रस्ताव पारित किए गए हैं और अब जो है शिवसैनिक लगातार जो है जगह जगह पर जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो भी बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं उनके दफ्तरों के पास में शिवसैनिक जमा हो रहे हैं और उनके दफ्तरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। ऐसे में थाने में एकनाथ शिंदे के दफ्तर पर भी जो है कई शिवसैनिक पहुंचे हैं और वहां पर तोड़फोड़ हुई है। आपको बता दें महाराष्ट्र में जो है अब जो है धारा 144 कई शहरों में लगा दी गई है और ऐसे में जो है अब शिवसैनिक जो है उग्र हो रहे हैं और शिवसेना की लड़ाई अब शिवसेना में ही चलती नजर आ रही है। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज। एक तरफ पूरे महाराष्ट्र में शिवसैनिक आक्रामक है, शिवसैनिक अब मुंबई की सड़कों पर बागी विधायकों के खिलाफ उतर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नजर डालें तो वहीं एकनाथ शिंदे के समर्थन में भी कुछ लोग आए हैं। इस समर्थन का कारण सिर्फ एक है, क्योंकि एकनाथ इन लोगों के लिए सच में नाथ थे। महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म है, लगातार एकनाथ शिंदे के खिलाफ विरोध जारी है, जहां अलग अलग जगहों पर शिवसैनिक समर्थक लगातार एकनाथ शिंदे और उनके बागी विधायकों के खिलाफ आक्रामक होते हुए उनके पोस्टर बैनर फाड़ रहे हैं और साथ ही उनके दफ्तरों पर भी हमला कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच थाने में अब ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां एकनाथ शिंदे के समर्थन में उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में समर्थक जमा हुए और उन्होंने शिंदे के समर्थन में नारेबाजी की। जहां महाराष्ट्र में एक तरफ धारा 144 लागू है, फिर भी बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे के घर के बाहर भारी भीड़ दिखी। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम मरते दम तक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी हर मुश्किलों में मदद की है, हर मुश्किलों में वो हमारे साथ खड़े रहे। आज भी किसी चीज की जरूरत हो, चाहे वो कॉलेज में एडमिशन हो या अस्पताल में मदद, हर वक्त शिंदे साहब हमारे साथ रहते हैं और हम उनके साथ ही आगे बढ़ेंगे। फिलहाल देखना होगा, जहां एक तरफ शिवसैनिक समर्थक बागी विधायकों के खिलाफ आक्रामक हैं, तो वहीं अब एकनाथ शिंदे के समर्थन में भी लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेट्रो मुंबई के लिए विशाल जायसवाल की रिपोर्ट। कल मुंबई लोकल का मेगा ब्लॉक रहने वाला है, ऐसे में निकलने से पहले आप जरूर इस खबर को देखिए कि आखिर किन किन जगहों पर और किस समय पर मुंबई लोकल मेगा ब्लॉक लेगी। रेल पर सिग्नलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रखरखाव के लिए पश्चिम रेलवे की माहिम और बांद्रा स्टेशनों के बीच अप एंड डाउन हार्बर लाइनों पर जंबो ब्लॉक रहेगा। ये ब्लॉक 26 जून रविवार को सुबह 10:55 से शाम 4:55 तक रहेगा। ये ब्लॉक 6 घंटे का रहेगा। उसी दिन हार्बर लाइन पर मध्य रेलवे के ब्लॉक के साथ बांद्रा और अंधेरी स्टेशनों के बीच 11:10 से 4:10 तक 5 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर के अनुसार ब्लॉक अवधि के दौरान गोरेगांव की सभी ट्रेनें और मध्य रेल की ओर जाने वाली हार्बर सेवाएं तथा चर्चगेट गोरेगांव के बीच कुछ उपनगरीय ट्रेन निरस्त रहेंगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टर के कार्यालय में उपलब्ध है। ये भी सूचित किया जाता है कि 26 जून 2022 को ब्लॉक समाप्त होने पर माहिम में रीअलॉइंटमेंट कार्य पूरा होने के साथ ही माहिम डाउन हार्बर प्लेटफॉर्म पर हार्बर लाइन की सभी डाउन ट्रेनों का ठहराव उसी दिन बहाल कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। इलेक्ट्रिक ट्रेन का उद्घाटन यानी कोंकण रेलवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने जरूर कर दिया हो, लेकिन इसके टिकट का फायदा आपको कैसे मिलेगा, इसकी टिकट आप कैसे निकाल सकेंगे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। जल्द ही कोंकण रेलवे की विद्युतीकरण के साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जो यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है। कोंकण रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ ही अब इसकी गति और तेज हो गई है। इसके बाद अब सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में सामान्य टिकट उपलब्ध होंगे। इसका मतलब है कि आप बिना टिकट खरीदे समय पर यात्रा कर सकेंगे। ये एक अहम फैसला है जो यात्रियों के लिए बड़ी राहत बनकर आया है। ये फैसला 29 जून से लागू होगा। मध्य रेलवे की सभी मेल एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों के सामान्य टिकट अब हर जगह उपलब्ध होंगे। पहले केवल कुछ रेलवे जनरल बिना आरक्षण के उपलब्ध थे, लेकिन अब जनरल का टिकट ATVM, GTBS, अनारक्षित टिकट काउंटर और UTS मोबाइल ऐप के जरिए मिलेगा। इससे उन यात्रियों के लिए यात्रा बहुत आसान हो जाएगी जो अभी प्रतीक्षा सूची में है और समय पर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं।
इस खबर को सुनने के बाद कोंकण रेल यात्रियों को एक बड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि टिकट का फैसला आने से अब उनकी यात्रा और भी आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन बेस्ट हमेशा ही अपने यात्रियों के लिए अलग अलग चीजें ला रही है। अब इसी में बेस्ट ने अपने बेड़े में बाइक्स को शामिल किया है। इन ई बाइक की मदद से जिन जगहों पर बस नहीं पहुंचती है, उन जगहों पर अब आपको बाइक पहुंचाएगी। मुंबई में कुछ महत्वपूर्ण बस स्टॉपों पर बेस्ट ने ई बाइक सेवा शुरू की है। जहां बेस्ट की बसें नहीं पहुंच पाती हैं, ऐसे ठिकानों तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए बेस्ट ने नए कॉन्सेप्ट वाली ई बाइक सेवा का शुभारंभ किया है। इसी के साथ देश में ऐसी सेवा देने वाली बेस्ट पहली परिवहन संस्था बन गई है। बेस्ट के अनुसार इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन के तहत ई बाइक योजना को लॉन्च किया गया है। अंधेरी में 5 बस स्टॉपों पर ये सेवा शुरू की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बेस्ट की कुछ बसों को बस स्टॉप से यात्रियों को डेस्टिनेशन स्थान तक जाने के लिए कड़ी मशक्कत व अधिक खर्च करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर बाइक की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जब यात्री बस स्टॉप पर उतरेंगे और उन्हें भीतरी क्षेत्रों की तरफ जाना होगा, तो बाइक की सेवा ले सकेंगे। अपने डेस्टिनेशन स्थान तक पहुंचने के लिए यात्री ई बाइक का उपयोग कर सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि वोगो इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया गया है। फिलहाल इस बाइक को वोगो ऐप से संचालित किया जाएगा, लेकिन बाद में इसे बेस्ट के चलो ऐप से जोड़ दिया जाएगा। यात्रियों को न्यूनतम 20 रुपए में ये ई बाइक बुक की जा सकेगी। उसके बाद प्रति किलोमीटर 3 रुपए अथवा 1.5 रुपए पर मिनट की दर से चार्ज वसूला जाएगा। इस बाइक की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। शुरुआत में लोगों को आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट भी दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। शाहरुख खान का बंगला मन्नत एक टूरिस्ट स्पॉट है। कई जगहों से जो फैंस होते हैं, वो सिर्फ शाहरुख खान के बंगले की एक झलक, एक सेल्फी खींचने के लिए वहां आते हैं। ऐसे में अगर आप सोचेंगे कि उनका बंगला कितने का होगा या उनके बंगले में मौजूद एक कमरे की कीमत कितनी होगी, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो बंगले की एक कमरे की कीमत होगी 30 साल की मेहनत। आखिर ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर कैसे शाहरुख खान का बंगला इतना महंगा है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख का बंगला मन्नत बेहद शानदार और आलीशान है, जिसमें रहना किसी सपने से कम नहीं। यही वजह है कि मुंबई घूमने जाने वाले ज्यादातर लोग किंग खान के घर के आगे खड़े होकर फोटो जरूर क्लिक कराते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इस बंगले में एक कमरे का किराया कितना होगा? शाहरुख खान का घर दुनिया की सबसे शानदार घरों की लिस्ट में शुमार है। इस घर की कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 200 करोड़ रुपए है। ऐसे में बंगले का एक कमरा कितने रुपए के किराए पर मिलेगा, इसकी जानकारी खुद शाहरुख खान ने दी है। दरअसल शाहरुख खान ने एक बार अपने फैंस के लिए आस्क एसआरकी सेशन रखा था, जिसमें कई फैंस ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी चीजों पर सवाल किया था। इस दौरान एक फैन ने उनसे उनके बंगले मन्नत के रूम रेंट के बारे में पूछा। इसके जवाब में किंग खान ने लिखा, 30 साल की मेहनत में पड़ेगा। एक्टर ने भले ही कीमत का जिक्र ना किया, लेकिन उनके एक लाइन में हर सवाल का जवाब छिपा था। शाहरुख खान का ये बंगला केवल घर नहीं, बल्कि लोगों के लिए किसी टूरिस्ट स्पॉट की तरह है, जिसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर ने ये बंगला साल 2001 में 13.32 के आसपास लीज पर खरीदा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई करो, अब पानी संभाल कर इस्तेमाल करो, क्योंकि वर्षा तो हो नहीं रही है, बारिश तो मुंबई में हो नहीं रही है। ऐसे में अब सोमवार से बीएमसी ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में 10% पानी की कटौती करने का फैसला किया है। भारी बारिश के अभाव में मुंबई महानगर को पानी की आपूर्ति करने वाले जलाशय में अपर्याप्त जल भंडारण के कारण सोमवार से पूरे मुंबई नगर निगम क्षेत्र में 10% की पानी कटौती लागू की जा रही है। 10% की कटौती मुंबई नगर निगम की ओर से थाने, भिवंटी नगर निगम और अन्य गांवों में जल आपूर्ति पर भी लागू होगी। इस साल के मानसून की शुरुआत के साथ ही मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले बांधों के क्षेत्र में बहुत कम बारिश हुई। जून के महीने में पिछले साल की तुलना में करीब 70% कम बारिश दर्ज की गई। ऊपरी बैतरणा, मोदक सागर, तानसा, हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, मध्य बैतरणा जलाशय, भादसा, विहीर और तुलसी, जो मुंबई शहर को पानी की आपूर्ति करते हैं, उसमें कुल 14,47,363 मिलीलीटर का उपयोगी जल भंडारण है। इसकी तुलना में इन सभी 7 जलाशयों में 141,387 मिलीलीटर या 9.77% उपयोगी जल भंडारण है। पिछले साल इसी दिन 15.14% जल संग्रहण हुआ था। अगर भारी बारिश नहीं होने के कारण ये स्थिति बनी रही, तो मुंबई की जलापूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसे देखते हुए मुंबई नगर निगम में सोमवार से 10% पानी की कटौती की जाएगी।
जब तक कि भारी बारिश से मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले जलाशयों में उपयोगी जल भंडारण की स्थिति में सुधार नहीं होता। 10% की कटौती मुंबई नगर निगम द्वारा ठाणे, भिवंडी नगर निगम और अन्य गांवों को आपूर्ति की जाने वाली पानी की मात्रा पर भी लागू होगी। NMC ने मुंबई वासियों से बारिश की कमी के कारण बने हालात को देखते हुए पानी का संयम से और सावधानी से इस्तेमाल करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अलग अलग चीजें ला रहे हैं, अलग अलग साधन ला रहे हैं जिससे देशवासियों का सफर आसान हो, गाड़ियों को लेकर हो, रोड्स को लेकर हो। उनके फैसले हमेशा ही अनोखे, अच्छे और अलग होते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि अब देश में ही कारों की क्रैश टेस्टिंग होगी। भारत सरकार ने देश में ही कार की सेफ्टी रेटिंग सिस्टम की शुरुआत करने का फैसला किया है। केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने ड्राफ्ट GSR नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। इस नोटिफिकेशन में भारत NCP की शुरुआत की बात की गई है। अब भारत में कारों के क्रैश टेस्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें स्टार रेटिंग मिल सकेगी। इस समय जिस तरह बिजली के उपकरण बनाने वाली कंपनियों को पंखा, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन आदि के लिए स्टार रेटिंग मिलती है, ये स्टार रेटिंग बिजली की खपत के आधार पर तय होती है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में NCP अगले साल 1 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत में बिकने वाली और आयात करने वाली कंपनियों को अब देश में ही कार की क्रैश टेस्टिंग की सुविधा मिल जाएगी। ये रेटिंग 1 से 5 स्टार के बीच है। 5 स्टार रेटिंग का मतलब ये है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में उस कार में बैठने वाली सवारी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। भारत सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में कई ट्वीट किए। नितिन गडकरी ने कहा कि NCP भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत सरकार की इस कवायद का मकसद वयस्क और बच्चों के हिसाब से कारों को सुरक्षित बनाना और कारों में एक्टिव एवं पैसिव सेफ्टी फीचर शामिल करना है। नितिन गडकरी ने कहा कि क्रैश टेस्ट के जरिए कारों को स्टार रेटिंग मिलने से भारत से ऑटोमोबाइल का निर्यात बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। भारत NCPA की टेस्ट प्रोटोकॉल को मौजूदा नियमों में कार क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल के साथ जोड़ा जाएगा। इससे कंपनियों अपने वाहनों को इन हाउस टेस्ट करा सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें यानी मेट्रो मुंबई का टॉप 10 बुलेटिन। और कल मैं फिर आपके सामने ऐसी ही महाराष्ट्र की बड़ी सियासी हलचलों के साथ, महाराष्ट्र और मुंबई की अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।